नमस्कार मित्रों, फरीवार स्वागत छे तमारो अमारी चैनल गर्वो गुजरात मा। कोरोना फरीवार आपणने झुकावा माटे आवी रह्यो छे। फरीवार कोरोना नो प्रमाण मोटा पाये वधी रह्यो छे। फरीवार लॉकडाउन पण लागी रह्यो छे कारण के कोरोना नो नवो वेरियंट आवी रह्यो छे। मित्रों, कोरोना ने ज्यां दुनिया भूलवा जाए छे त्यां कोरोना पाछो माणसों ने झुकावा माटे आवी जाए छे। आवुं त्रण वखत थई गयुं छे के आपणने एम हतुं के हवे कोरोना दूर थई रह्यो छे, पण हकीकतमां कोरोना फरी फरीने माणसोने झुकावा आवी जतो होय छे। ताजेतरना समयमां पण आवुं ज थई रह्युं छे। घणा देशोमां कोरोनानो प्रमाण एटलो वधी गयो छे के ते देशोमां दररोज 4-5 लाख नवा केसो आवी रह्या छे। हा मित्रो, दररोज 4-5 लाख जेटला केसो। अने ध्यान आपजो, आ आंकड़ाओ एक ज देशना छे, दुनियाभरमां तो हाहाकार मची गयो छे। एवामां WHO द्वारा एटले के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया ने सावचेती राखवाना संदेशाओ पण अपाई रह्या छे। वात जो भारतनी करिए तो मोदी सरकार पण आ बाबते खूब ज गंभीर छे। एवुं लागी रह्यूं छे के जल्दी ज कोरोनानी चौथी लहेर आवी शके छे। अलग अलग राज्यों ने सावचेती राखवाना संदेशाओ पाठवी देवामां आव्या छे। चाइना तेमज कोरियामां तो परिस्थिति एटली खराब छे के त्यां फरीवार संपूर्ण लॉकडाउन लगावी देवामां आव्यो छे। हाँ मित्रों, त्यां फरीवार 17 करोड़ जेटला माणसों घरों में पुराई गया छे, अने एनो कारण छे कोरोनानो नवो वेरियंट। आजना वीडियो में आपणे भारत में चौथी लहर न आवे एना माटे मोदी सरकारे राज्य सरकारों ने केवा सूचनो आप्या छे एना उपर वात करीशुं, अने जाणशुं के WHO द्वारा शुं काम आटली चिंता व्यक्त करवामां आवी रही छे। चाइना अने कोरियामां परिस्थिति केटली खराब छे। શું ખરેખર ચોથી લહેર આવી શકે છે? શું ભારતમાં પણ લોકડાઉન થઈ શકે છે? હમણાં ભારતમાં કોરોના અંગે કેવી પરિસ્થિતિ છે? અને ચોથી લહેરના ઢંકા વાગી રહ્યા છે તો કોરોનાની ચોથી લહેર ક્યારે આવી શકે છે? આવા તમામ પ્રશ્નો ઉપર આજના આ વિડીયોમાં વિસ્તારથી વાત કરીશું, માટે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા તેમજ લાઇક અને શેર કરવા ખાસ વિનંતી। તો ચાલો આજનો આ મહત્વપૂર્ણ વિડીયો શરૂ કરીએ। चाइना, होंगकोंग तथा यूरोपना केटलाक देशों में धीमे पगले कोरोना केस वधी रहा छे, जे आवनारी मोटी आफतनो संकेत छे। वैश्विक स्तरे कोरोना केसों में वधारो थई रह्यो होवा छतां पण केटलाक देशों कोरोना प्रतिबंधों में छूटछाटो आपी रहा छे अथवा तो प्रतिबंधों हळवा करी रहा छे। कोरोना प्रतिबंधों में छूटछाट आपवानुं काम विश्व आरोग्य संगठन ने पसंद नथी आव्यो। विश्व आरोग्य संगठने कह्युं छे के तमाम देशों ने कोरोना वायरस सामे जागृत रहेवुं जोईए। गया अठवाडिये विश्वभरमां कोविडना केसोमां वधारो थवानुं शरू थयुं हतुं। WHOએ जणाव्युं हतुं के एशिया अने चीनमां जिलिन प्रांतमां लॉकडाउन लादवामां आव्युं छे। कोरोना केस वधवा पाछळ घणा बधा कारणो जवाबदार छे, तेमां झड़पथी फैलावनार ओमिक्रॉन BA.2 सामेल छे, तेमज रसीकरणना नीचा दरना कारणे केटलाक देशोमां केसो पण वधी रह्या छे। સૌથી મોટો ઉછાળો પશ્ચિમ સ્પેસિફિક ક્ષેત્રમાં હતો, જેમાં દક્ષિણ કોરિયા અને ચીનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં કોરોનાના કેસોમાં 25% વધારો હતો અને મૃત્યુદરમાં 27% વધારો થયો હતો। આફ્રિકામાં પણ નવા કેસોમાં 12% વધારો તેમજ મૃત્યુદરમાં 14% વધારો જોવા મળ્યો હતો, અને યુરોપિયન દેશોમાં 2% વધારો થયો હતો। WHO દ્વારા એવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે ટૂંક સમયમાં અમેરિકામાં કોરોનાની નવી લહેર આવી શકે છે, જે સંભવત ઓમિક્રોન BA.2ને કારણે થઈ શકે છે। ભારતમાં કોરોનાની સ્થિતિ અત્યારે કાબૂમાં છે અને દર્દીઓનો ગ્રાફ પણ ખૂબ જ ઓછો છે, પરંતુ પાડોશી દેશ ચીન અને યુરોપના કેટલાક દેશોમાં સ્થિતિ ચિંતાજનક થતી જોવા મળી રહી છે। છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં અહીં કોરોનાના કેસો સતત વધી રહ્યા છે। આવી સ્થિતિમાં ભારતમાં પણ હવે ચિંતા વધવા લાગી છે। આ સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણે તમામ રાજ્યોના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને કેટલીક સાવચેતી રાખવાની સૂચના આપી છે। રાજેશ ભૂષણે પોતાના પત્ર દ્વારા કહ્યું છે કે દરેક જગ્યાએ ટેસ્ટ, ટ્રેક, ટ્રીટ, વેક્સિનેશન અને કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે। એમણે વધુમાં કહ્યું છે કે તમામ સંબંધિત અધિકારીઓ અને વિભાગોએ આ 5 મુદ્દાઓ પર યોગ્ય રીતે કામ કરવાની જરૂર છે। ડોક્ટરો પણ નવા ખતરાને જોતા લોકોને સાવચેત રહેવાનું કહી રહ્યા છે। કોરોનાએ ફરી એકવાર ચીનની હાલત ખરાબ કરી દીધી છે। છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી ચીનમાં કોરોનાના રેકોર્ડ બ્રેક દર્દીઓ જોવા મળી રહ્યા છે,
चीन में वर्ष 2021 में मात्र 15,000 कोरोना ना केस जोवा मळ्या हता, तो 2022 ना 3 महीना में संक्रमितों की संख्या 23,000 ने वटावी गई छे। बीजी बाजू हवे यूके अने जर्मनी में पण कोरोना ना केसो वधी रह्या छे। त्रीजी लहर माटे जवाबदार ओमिक्रॉन वेरियंट फरी एक वार घातक बन्यो छे। आ वखते ओमिक्रॉन तेना पेटा वेरियंट नी साथे पाछो आव्यो छे। ओमिक्रॉन सब वेरियंट BA.2 यूरोप अने दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही मचावी रह्यु छे। कोरोना सामे जीरो पॉलिसी लागू पड़नारा चीन नी हालत पण खराब छे। चीन अने यूरोपियन देशों में कोरोना फरीवार झड़पथी वधी रह्यो छे, जेने लईने हवे चौथी लहर नी आशंकाओ व्यक्त कराई रही छे। ओमिक्रॉन ना सब वेरियंट BA.2 थी दक्षिण कोरिया में कोरोना ना केसों में भारे वधारो थयो छे, तो वाड़ी ब्रिटेन अने केटलाय अन्य यूरोपियन देशों में एक ज दिवस में 6,00,000 थी वधारे केसों सामे आवी चुक्या छे। जो कि भारत में हाल में नवी लहर आवाने लईने भारतीय निष्णातो चिंतित नथी, आम छता पण सावधानी ना पगला अगाउथी ज लेवाई रह्या छे। मोदी सरकार द्वारा राज्य सरकारों ने सावधानी राखवाना सूचनो पण अपाई गया छे। वात तो चौथी लहर नी करिए तो जाणकार लोको एवुं जणावी रह्या छे कि मे महीना में दुनिया चौथी लहर ना संकट में घेराई सके छे। आवता 40-45 दिवसों में जो सावधानी राखवामां ढील अपाई तो आपणे मे महीना में चौथी लहर में घेराई सकीए छीए। मित्रों, अत्यार सुधी भारत में कुल केटला केसों सामे आव्या छे एनी वात करिए तो 4,30,06,080 केसों सामे आव्या छे। जो एक दिवसना आंकड़ानी वात करिए तो 2,075 जेटला केसों एक दिवस में आव्या छे अने छेल्ला 14 दिवस में 48,603 केसों आव्या छे। मित्रों, जो कुल मृत्यु दर की बात करिए तो 5,16,352 जेटला मृत्यु थया छे। मित्रों, जो गुजरात की बात करिए तो कुल गुजरात में 12,23,728 केसों आव्या छे अने जो नवा केसों की बात करिए तो 500+ केसों छे अने जो मृत्यु की बात करिए तो अत्यार सुधी में 10,939 जेटला लोको मरी गया छे। आपणे बधा जाणीए छीए कि ज्यारे कोरोना वायरस आव्यो एटले के 2020 में कोरोनानी ज्यारे पहली लहर हती तेनी असर अमेरिका तथा यूरोपना अन्य देशों करता भारत में घणी ओछी हती, परंतु वर्ष 2021 में भारत में कोरोना वायरसनी बीजी लहर में बहुज खराब परिस्थितिनो निर्माण थयुं हतुं। आरोग्य तंत्रनी हालत पण कथळी गई हती। जो के कोरोना वायरसना सौथी मोटा वेरियंट ओमिक्रॉन ने कारणे देश में आवेली त्रीजी लहर में झड़पथी संक्रमण फैलायुं, परंतु तेनी असर प्रथम बे लहर करता घातक न हती। एटले के निष्णातो अनुसार लोगों में वायरसनी सामे रसी ने कारणे रोग प्रतिकारक शक्तिनो विकास थयो हतो अने वेरियंट चेपी न हतो पण गंभीर रीते लोगों ने बीमार करतो हतो। मित्रों, वैज्ञानिकों द्वारा एक अभ्यास करवामां आव्यो हतो, ए अभ्यास में जणाववामां आव्युं छे के कोरोना वायरसना प्राथमिक डेटा आव्यानी तारीख 30 जान्युआरी 2020 हती। ए प्रमाणे 936 दिवसे चौथी लहर आवी शके छे। आथी 22 जून 2022 ना रोज थी भारत में चौथी लहरनी आशंकाओ छे, जे 23 ऑगस्ट 2022 नी आसपास पीक पर पहुंची शके छे अने 24 ऑक्टोबર 2022 बाद असर खत्म थई जशे। तो मित्रों, आ हती कोरोना वायरसनी चौथी लहरनी माहिती। तो आजनो आ वीडियो तमने केवो लाग्यो ए अमने कॉमेंट करीने जणावजो। अने मित्रों, चौथी लहर विशे तमारो शुं कहेवुं छे, तमारो अभिप्राय अमने कॉमेंट द्वारा जणावी शको छो। तो मित्रों, आजना आ वीडियोमां बस आटलुं ज। आपणे फरी मळीए एक आवाज सरस वीडियो साथे। त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत।